सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 2.0 का टीजर रिलीज हो गया है। शंकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रजनीकांत के साथ बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार भी जबरदस्त एक्शन करते दिखाई देंगे। ये फिल्म 8 साल पहले आई रोबोट का सीक्वल है। साल 2010 में आई फिल्म रोबोट में रजनीकांत हीरो और विलन दोनों के ही किरदार में नजर आए थे। फिल्म के आखिर में रजनीकांत अपने ही बनाए रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बस इस फिल्म की शुरुआत यहीं से होती है। इस फिल्म में एक बार फिर से रोबोट को बनाया जाता है। 2.0 का टीजर देख के ये जाहिर हो रहा है कि फिल्म में एक बार फिर से रोबोट चिट्टी को जिंदा किया जाएगा। क्योंकि दुनिया में तबाही आ चुकी है तो इसके लिए डॉक्टर वशीकरण फिर से चिट्टी को जिंदा करेंगे। 1:31 के इस टीजर की शुरुआत होती है लोगों के हाथों से मोबाइल हवा में उड़ने से। धीरे धीरे देखते देखते पूरी दुनिया के लोगों का मोबाइल उनके हाथों से उड़ के हवा में चला जाता है और ऊपर जाकर ये खतरनाक पक्षी का रूप ले लेता है। इसके बाद डॉक्टर वसीकरण के ऑफिस में एक मीटिंग होती है जिसमें इस तबाही से बचने का उपाय पूछा जाता है। मीटिंग में ये फैसला होता है कि इससे निपटना है तो सबसे ताकतवर रोबोट चिट्टी को दोबारा जिंदा करना होगा। टीजर के अगले ही सीन में दिखता है कि चिट्टी लौट आया है और उस खतरनाक पक्षी का सामना कर रहा है। आखिरी दृश्य में डॉक्टर रिचर्ड दिखाई देते हैं, वो रिमोट से कार को उड़ाते हैं। इस फिल्म में संगीत AR रहमान का है। टीजर में सुनाई दे रही बैकग्राउंड म्यूजिक से ही रहमान के संगीत को लेकर उत्सुकता जागती है। रोबोट फिल्म का सीक्वल 2.0 इस साल 29 नवंबर को रिलीज होगी। रजनीकांत, अक्षय कुमार के अलावा फिल्म में एमी जैक्सन, सुधांशु पांडे, आदिल हुसैन, रियाज खान प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म को लिखा है शंकर, जयमोहन, लक्ष्मी और सरवन कुमार ने, जबकि हिंदी डायलॉग्स लिखे हैं अब्बास टायरवाला ने। फिल्म के टीजर को देखकर इसकी तुलना हॉलीवुड फिल्मों से की जा रही है, क्योंकि न सिर्फ इस फिल्म की कहानी बल्कि इस फिल्म में काफी सारे सीन्स ऐसे दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं जो हॉलीवुड फिल्मों में ही देखे जाते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगी। फिलहाल आप हमें बताइए आपको ये टीजर कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। जुड़े रहिए लोकमत न्यूज़.in से।